आगरा में 19 अक्टूबर को हुई सेल्स मैनेजर की लूट के बाद हत्या के मुख्य आरोपी हसन अली को आज पुलिस ने मुठभेड़ के बाहर धर दबोचा। देर रात जब पुलिस ने अपाचे सवार हसन को रोकने का प्रयास किया तो हसन ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। उसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें हसन अली को 2 गोली लगी। पुलिस को हसन अली के पास एक तमंचा और एक बैग मिला जिसमें रुपये हैं। हालांकि अभी ये पता नहीं चल सका कि बैग में कितने रुपये हैं। फिलहाल घायल बदमाश हसन को इलाज के लिए SN अस्पताल भेज दिया गया है। दरअसल थाना एतमादोला ने नुनिहाय क्षेत्र में 19 अक्टूबर को दिनदहाड़े सेल्स मैनेजर सोनू को गोली मार कर हत्या कर उससे 7 लाख रुपए की लूट की गई। इस घटना के बाद आगरा पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। आनन फानन में आगरा के ADG SSP SPCT मौके पर पहुंचे। जब घटना की जांच पड़ताल शुरू हुई तो वहां लगे CCTV कैमरे में पुलिस को लुटेरे के वीडियो फुटेज मिले। उसके आधार पर लुटेरों की पहचान बदमाश हसन अली के रूप में हुई। उसी दिन से आगरा क्राइम ब्रांच की टीम उसे पकड़ने में लगी थी। पुलिस के मुताबिक हसन पर आगरा में कई मुकदमे दर्ज हैं। आज देर रात पुलिस आगरा के 80 फुटा रोड पर बढ़ते अपराध को लेकर चेकिंग कर रही थी। उसी समय अपाचे सवार हसन को रोकने का प्रयास किया गया लेकिन हसन रुकने की बजाय फायरिंग कर भागने लगा। पुलिस ने भी फायरिंग कर बदमाश हसन को पकड़ लिया। फिलहाल हसन के पैरों में गोली लगी है जिससे इलाज के लिए SN अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हसन के ठीक होने पर उससे पूछताछ की जाएगी। आगरा से ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइमिटी न्यूज। देखिए, कुछ दिनों से रात्रि में कुछ चोरियों की घटनाएं सामने आई थी, इसीलिए आज चेकिंग के आदेश दिए गए थे। लगभग 1 बजे से लेकर 4 बजे तक चेकिंग के आदेश दिए गए थे। उसी क्रम में एक बाइक को रोकने की कोशिश की थी। एक व्यक्ति उस पर सवार था, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी। उसका जब रोकने की कोशिश की उसने फायरिंग पुलिस पे शुरू की। जवाबी मुठभेड़ में क्राइम ब्रांच की टीम और थाना एतमादौला की टीम द्वारा उत्तर दिया गया, कार्रवाई की गई। उसमें उसको उसको गोली लगी है। जब उसको ले जाया जा रहा था तो उसने उसको जब उससे पूछताछ की गई उसने बताया कि उसका नाम हसन अली है, जो एतमादौला में 18 अक्टूबर को जो घटना हुई थी, लूट विद मर्डर की जो घटना हुई थी, उसका एक प्राइम सस्पेक्ट, प्राइम अभियुक्त ये व्यक्ति है। उस दिन एक कैश कलेक्शन एजेंट से, जो कि शराब के ठेके से कैश कलेक्ट करता है, उसके पास से उसको लूट के उसकी हत्या भी की गई थी। उसी ये मुलजिम अभी गिरफ्तार हुआ है। क्या क्या बरामद हुआ है? देखिए, एक बैग उससे बरामद हुआ है, एक मोटरसाइकिल है, मोबाइल है, बैग में कुछ कैश है। अभी गिनती उसकी हुई नहीं है।